मैडम लक्की ना यार, मैं यहाँ पे हूँ। यार सच बताऊँ, अगर मैं तुमसे ऑनलाइन मिलता ना तो कभी भी ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करता। आप अच्छे हो। नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता यार, सीरियसली। मतलब हे गाइस, यश चौधरी बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। होप सो वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने बिना नहीं जाना। तो मिलते हैं वीडियो के बाद में। सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। हे हाय, आप ये कितनी देर से बैठे हुए हो? मैं काफी देर से बैठी हूं। यार आप यहाँ पे ना मेरा दिल पड़ा हुआ था, आपने देखा? नो। आपने तो नहीं चुरा लिया कहीं? कहाँ सीटे हैं? मैं आपको जानती हूँ। नहीं मैं भी नहीं जानता आपको, बट एक बार बैठ जाऊँ मैं आपके पास? हाय, माय नेम इज यश। आपका नाम? चंचल। मतलब जैसा आपका नाम है ना वैसे ही लग रहे हो, फुल एकदम चंचल। बट इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू वन थिंग? जी। यार इतना रेडी शेडी होकर क्यों बैठे हो? कहीं फैशन शो वगैरह है क्या? नो, एक्चुअली मैं किसी से मिलने आई थी। अच्छा, किसी से मिलने आई थी? मतलब किससे? मतलब बॉयफ्रेंड से। अच्छा, बॉयफ्रेंड से। यार सो जेन्युइन, मतलब आज के लड़कियां होती नहीं है एकदम से ऐसे बताती नहीं है कि मैं किससे मिलने आई हूँ, वरना बोल देती है फ्रेंड वगैरह से मिलने आया हूँ। तो वेयर इज योर बॉयफ्रेंड? वो आया ही नहीं। आया नहीं मतलब क्यों? आई डोंट नो। फोन तो कर लो उसको, काफी बार ट्राई करा बट फोन भी नहीं उठा रहा है। यार सच में पागल है क्या कोई लड़का जो आया नहीं यार, किसी को वेट करा रहा है? कितने बुरे होते हैं ना। तो दिस इज योर फर्स्ट डेट और लाइक पहले भी? फर्स्ट डेट है। फर्स्ट डेट पे बंदा नहीं आया? हाउ चीप यार। मिले कैसे थे? इंस्टाग्राम पे। किसने नंबर एक्सचेंज हो गया था तुम्हारा? नो। तो किसने करा? तुमने दिया था? उससे लिया था? उसने ही दिया था। अच्छा, फोर्स वोर्स किया होगा ना? हाँ, थोड़ा सा। तो मिलने का प्रोग्राम किसका था, उसका या आपका? उसका। अच्छा, तो आप पहले पहुँच गए? कोई बंदा आया क्यों नहीं? मतलब इतनी प्यारी हो, इतनी क्यूट सी हो, यू आर सो ऑसम यार। उसने देखा है आपको? देखा नहीं है? मतलब बात होती थी कैजुअली, बट मैंने फोटो नहीं लगा रखी थी और प्राइवेट अकाउंट था। फोटो नहीं लगा रखी थी और प्राइवेट अकाउंट था? हाँ। मतलब वॉइस में प्यार था? वॉइस। हाँ। अच्छा, और मैसेजेस बस उससे ज़्यादा। तो यार मतलब उसने क्या खोया है, शायद उसको नहीं पता। ऐसा तो नहीं है कि वो फोटो वगैरह मांगता था आपसे? हाँ, कि फोटो सेंड कर दो। हाँ, बट मैं कहती थी कि पहली बार जब मिलेंगे तभी देख लेना। अच्छा, समझ गया मैं, वो जजमेंटल माइंड वाला बंदा होगा ना, इसलिए उनने सोचा कि यार क्या मिलना। कितने महीने से बातचीत चल रही थी आपकी? 3 महीने से। और उसकी फोटोज आपने देखी थी? हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं। हाँ प्रॉब्लम होती तो आप यहाँ क्यों होते? हाँ, बट यार ये तो बहुत बुरा हुआ ना आपके साथ में। हाँ, आज का दिन स्पॉइल हो गया मेरा। कितने दिन से बैठे, कितनी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पे? आधे घंटे से। हाँ 10 मिनट से तो मैंने भी देखा था आपको, आप ऐसे फोन पे लगा रहे थे बार बार। फोन ही नहीं उठा रहा। अच्छा, मेरे फोन से करके देख लो। वो मेरा ही फोन नहीं उठा रहा। क्या पता मेरे फ़ोन से फ़ोन उठा ले, है ना? अजनबी नंबर से फ़ोन उठा सकते हो ना बंदे, देख खराब नहीं करना चाहिए। पता आजकल लड़के ऐसी होती नहीं है जैसे आप हो ना। थैंक यू। नहीं उठा, मैं करके देखता हूँ। नहीं, मैसेज वगैरह किए अपने? नहीं, करे थे बट उसने देखे ही नहीं, शायद नेट ऑफ हो गया। मुझे लगता है शायद वो मिलना ही नहीं चाहता होगा आपसे। नहीं, नहीं हो सकता। क्यों यार, हो तो गया, वो फोन भी नहीं उठा रहा है आपसे। पर उसने लॉयल्टी के मैसेज करे थे तो ये नहीं हो सकता। लॉयल्टी के मैसेज करते यार, लॉयल्टी की तो दुनिया मैसेज करती है। हाँ, पर वो ऐसा नहीं है। यार कितनी अच्छी लड़की हो यार, अभी तक ये सोचे जा रही हो, यकीन नहीं। यार देखो मैं बताऊँ, आपने तसल्ली मत दो अपने आप को कि वो आ नहीं रहा है। कितनी देर तक बैठे रहोगे आप ऐसे? जब तक वो फोन बंदा उठा नहीं रहा है, मैसेज वो देख नहीं रहा है। सोचो वो आना ही नहीं चाहता इसलिए, और दूसरा आपका अकाउंट प्राइवेट था और वो पिक्स वगैरह मांग रहा था, आपने उसको दे नहीं।
तो फिर समझ लो ना कि लड़का क्या चाहता था, वो पहले आपको देखना चाहता था फिर बाद में आपसे प्यार करना चाहता था, मतलब पहले फिर उस शक्ल देख के प्यार। गॉट इट, अब समझ में आई हो। उस हो सकता है उसके लिए जो तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस है वो ज़्यादा मैटर करते हो, तभी उसने डेट पर बुला लिया और वो खुद नहीं आया। लेकिन उस बेवकूफ़ को पता नहीं है ना उसने क्या खो दिया है। बट आई एम लक्की ना यार, मैं यहाँ पे हूँ। यार सच में तो अगर मैं तुमसे ऑनलाइन मिलता ना तो कभी भी ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करता। आप अच्छे हो। नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता यार, सीरियसली। मतलब एक होता है ना कि कभी भी जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। बिल्कुल। अब देखो लालच बुरी वाला होती है ना, उसने लालच की, उसने लालच किया आपके पिक्स नहीं मिली, बट अब वो देख लो उसने क्या चीज़ खो दी है। अब उसका फोन भी नहीं लगेगा। तो कोई बात नहीं, उसको ब्लॉक कर देना। व्हाट डू थिंक अबाउट मी यार, आई एम ऑल्सो सिंगल गाय। बट मैं ऐसे अचानक से तो अभी मिले ना क्योंकि। अच्छा अभी मिले हैं क्योंकि, ये बात तो। यू आर फ्रॉम दिल्ली? जी। और सच में आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। चलो मैं अपने बारे में बताता हूँ। क्या कैसे बताऊँ मैं? मैं क्या करता हूँ ऑनेस्टली बताऊँ, माई नेम इज़ यश चौधरी एंड आई एम डूइंग अ प्रैंक वीडियोज़ यूट्यूब पे। सो माई कैमरा इज़ देयर। मैं अभी भी यहाँ वो प्रैंक करने के लिए आया था। सी से हाय। तो मैंने सोचा था यार चलो थोड़ी बहुत मस्ती की जाए, बट भाई यार देख तूने क्या खोया है। अब तो हमेशा पछताएगा क्योंकि तू इनके फ़ोन नहीं उठा रहा था। प्लीज़ इसे ब्लॉक कर देना ठीक है। और मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनने, एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं ना। आपका डे ख़राब नहीं होने दूंगा मैं, पक्का। बेफिक्र रहो, और कल को लड़का परेशान करेगा ना वो भी संभाल लूँगा मैं। लेकिन हाँ यार उसने ना अपनी किस्मत पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। आजकल ऐसी लड़कियाँ कहाँ होती हैं कि मतलब इतना वेट कर रही हूँ, वो भी इतना सज धज के तैयार होके। हे भगवान, इसका मतलब ये मेरे ही नसीब में। मजाक कर रहा हूँ यार, लेकिन डोंट वरी, आपका दिन ख़राब नहीं जाएगा। देर इज़ कॉफ़ी शॉप, तो हम लोग वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। ओके चलोगे आप? पक्का? और वो आ गया तो फिर मुझे भूल गए तो देख लो। तो हम एक अच्छे से स्टार्टिंग करेंगे दोस्ती, फ्रेंडशिप से कहते हैं। हाय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये कितने क्यूट है यार। चंचल का नाम इतना प्यारा है ना, चंचल। आंखें भी वैसी चंचल है, मतलब सो अब वो कहते हैं ना वो भाई कितनी ऑसम है यार। तो सी सो क्यूट यार। भाई तेरा तो गया। आज से अपनी दोस्ती स्टार्ट होती है, तू साइड में। पछताएगा पछताएगा। अब क्या होता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। कोई नहीं यार, हम चलते हैं कॉफी पे। ओके तो आओ चलते हैं। बाकी दोस्तों यार, अगर ये मेरी प्यारी सी दोस्त पसंद आई हो तो प्लीज़ यार, मतलब एक लाइक तो चंचल के लिए बनता है, उनका डे स्पॉइल होने से हम बचाते हैं। बाकी लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना ही बोलूँगा। और भाई तू तो गया, बाय। बस बाय करते हैं, आओ चलते हैं यार। फाइनली हमने कॉफ़ी वगैरह पी ली है, तो कैसी थी कॉफ़ी? बहुत अच्छी। तो प्रॉमिस करो आज के बाद उस बंदे से बात नहीं करोगे। जी। बाकी भाई ये तुझे पता नहीं है तूने क्या खो दिया है, ठीक है? और कोई ये कोई दिक्कत वगैरह करे ना तो आपके पास मेरा नंबर है, मुझे बता देना। हाँ, ठीक है। और ये मैं सोचना कि मुझे तुमसे कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनना है या बॉयफ्रेंड ही बनाना है तुम्हें, मुझे वी कैन गुड फ्रेंड्स। ओके आराम से अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसे बंदों से बिल्कुल बात नहीं करनी। ऑनलाइन पता है बहुत सारे स्कैम चल रहे होते हैं और ऐसे कभी भी नहीं जाते हैं कहीं भी। ओके तो भाई तू तो गया, और ये जैसी कॉल वॉल आ जाए ना इसकी मुझे बता देना। ओके चलो अब चलते हैं ना, मैं कैब बुक कर दिया, कैब में ड्रॉप कर देता हूँ आपसे, ठीक है? आगे से कभी भी ऑनलाइन के चक्कर में मत फंसना, इंस्टा विंस्टा के बहुत सारे स्कैम होते हैं। ओके चलो एक बार बाय कर दूँ।